फिल्म की शुरुआत में हम एक प्रोटेक्टेड वैली को देखते हैं, जहां कुछ रेंडियर्स की एक कम्युनिटी रहा करती थी। और वहीं हम निको नाम के एक छोटे से रेंडियर को देखते हैं। वो जब आसमान में सेंटा के स्लेज को देखता है तो अपने दोस्त जूलियस के साथ भागते हुए उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम से सुना था कि उसके डैड फ्लाइंग फोर्सेस में शामिल हैं, जो सेंटा के स्लेज को चलाने का काम करते हैं। इसलिए निको अक्सर अपने डैड को उसमें देखने के लिए उत्सुक रहता था। वो चाहता था कि वो भी अपने डैड के साथ मिलकर आसमान की ऊंचाइयों का अनुभव कर सके। उसका दोस्त जूलियस, जो एक स्क्वायरल था, वो अपनी बनावट के कारण ग्लाइड करने में माहिर था, पर निको कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पाता था। वहाँ के बाकी रेंडियर्स निको के डैड के फ्लाइंग फोर्सेस में होने की बात को झूठ माना करते थे और निको को बातों को बचकाना समझकर उसका मजाक बनाया करते थे। इसलिए एक दिन निको अपने दोस्त जूलियस के साथ मिलकर उस वैली से बाहर निकलने का प्लान करता है, ताकि वो वहाँ बिना किसी के डिस्टर्बेंस के उड़ने की प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि फ्लाइंग फोर्सेस में शामिल होने के लिए उसे उड़ना आना चाहिए था। पर ये बात उनके एल्डर रेंडियर को पता चल जाती है और वो निको को उस वैली से बाहर ना जाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने पर वुल्फ का खतरा बना रहता था। पर मना करने के बाद भी निको एक दूसरी रेंडियर फियोना के साथ अगले दिन बाहर निकलने का प्लान करता है। वहीं रात को निको अपनी मॉम ऊना से पूछता है कि कोई भी उसके डैड के फ्लाइंग फोर्सेस में होने की बात पर यकीन क्यों नहीं करता। तब उसकी मॉम उसे यकीन दिलाने के लिए उसे अपने डैड की कहानी बताती है, पर फ्लाइंग फोर्सेस में होने के कारण उसे अक्सर काम से बाहर ही रहना पड़ता था। निको उनसे पूछता है कि उसके डैड कहाँ रहते हैं, जिस पर ऊना उसे बताती है कि वो बाकी के फ्लाइंग फोर्सेस के साथ सेंटा के फेल में रहते हैं, पर किसी को भी वहाँ का लोकेशन पता नहीं है। दूसरी ओर हम उस वैली से बाहर डार्क केव में रहने वाले वुल्फ की एक झुंड को देखते हैं, जहाँ उनका लीडर प्रांसर अपने झुंड को रेंडियर्स के शिकार के लिए भेजता है। वहीं अगले दिन निको फियोना के साथ मिलकर बिना किसी को बताए होम वैली से बाहर आ जाता है, पर जूलियस भी उसे ढूंढ लेता है और निको की बात से कन्विंस होकर वो उससे सहमत हो जाता है। पर जिस दौरान वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी प्रांसर के झुंड के दो वुल्फ उन्हें देख लेते हैं और उनके शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर निको और उसके दोस्त किसी तरह से उसे बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वो दोनों वुल्फ उनके होम वैली तक पहुंचाते हैं। इसलिए निको भागते हुए रेंडियर को इसकी खबर देने जाता है, तभी उतने में वो वुल्फ उन पर हमले के लिए आ जाते हैं। ये देखकर उन रेंडियर्स का लीडर बाकी के रेंडियर्स के बचाव के लिए उन वुल्फ का सामना करता है और उसी दौरान वो थोड़ा घायल भी हो जाता है। और आखिर में यहाँ उन वुल्फ की स्ट्रेंथ कम होने के कारण सभी रेंडियर किसी तरह से उनसे बच निकलते हैं, पर निको के कारण सभी रेंडियर्स को अपना वैली छोड़ना पड़ता है। इसलिए निको की गलती के कारण उनके लीडर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन ऊना उसकी बचाव के लिए सामने आ जाती है और सभी को और नुकसान होने से पहले उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते रहने का सुझाव देती है। इसलिए सभी उसकी बात से सहमत होकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी निको को अपने डैड का ख्याल आता है और जब वो देखता है कि अब सभी उससे नफरत करने लगी हैं, तो वो सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ऊना को पता चलता है कि निको मिसिंग है, तो वो अपने लीडर को उसका पता लगाने को कहती है, पर वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वो वुल्फ कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। ऊना निको के बिना वहाँ से जाने से मना कर देती है। तब जूलियस उसे समझाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो निको को ढूंढ कर उसके पास जरूर लाएगा। और काफी ढूंढने के बाद जूलियस निको के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि निको अपने डैड की तलाश में सेंटा के फेल को ढूंढने जा रहा है, ताकि वो क्रिसमस अपने डैड के साथ मना सके। जूलियस उससे कहता है कि हमें वैसे भी सेंटा के फेल का लोकेशन पता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा हम वापस लौट जाएं। लेकिन निको को इसका थोड़ा अनुमान होता है और वो उसी रास्ते की ओर बढ़ता रहता है। और जूलियस की काफी मना करने के बाद भी जब निको उसकी बात नहीं मानता, तो वो भी उसी को ज्वाइन कर लेता है। दूसरी ओर हम ऐसी नाम की एक लॉस्ट डॉग को देखते हैं, जो अनजाने में उन वुल्फ के केव में चली आती है। प्रांसर जब उसे देखता है तो वो उसे अपना दावत बनाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ से स्लेज के साथ कुछ फ्लाइंग फोर्सेस गुजरते हैं। ये देखकर ऐसी उससे बचने के लिए डरते हुए एक आइडिया बताती है कि अगर वो सेंटा के फ्लाइंग फोर्सेस का शिकार करेगा, तो उसे मुझसे भी बेहतर दावत मिलेगी। ये सुनकर प्रांसर को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपना लकी जाम समझकर अपने साथ ही रख लेता है और अपने झुंड के साथ सेंटा के फेल में घुसने का प्लान करता है। वहीं निको और जूलियस जिस दौरान आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें विल्मा नाम की एक विशैल मिलती है, जो एक छोटे से पेड़ के ब्रांच में फंसी होती है। ये देखकर निको उसे वहाँ से आजाद कर देता है। विल्मा को उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब निको उससे सेंटा के फेल के बारे में पूछता है, तब विल्मा उसे वहाँ जाने का सही रास्ता बता देती है।
लेकिन जिस दौरान वो उस रास्ते की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी तेज बर्फीली तूफान आना शुरू हो जाता है जिसमें निको और जूलियस अलग हो जाते हैं। अगली सुबह प्रांसर भी अपने झुंड के साथ सफर की ओर निकल जाता है, पर जिस दौरान वो रास्ते में अपने झुंड को अपना प्लान बता रहा होता है तब निको भी वहीं मौजूद होता है जो कल रात के बर्फीले तूफान के कारण फ्रीज हो चुका था और उसे प्रांसर के सेंटा को खत्म करके पूरी फ्लाइंग फोर्सेस को अपना दावत बनाने के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वहीं सभी वुल्फ को भी निको के वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है। वो सभी उसे देखते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं और भागते समय निको को जूलियस मिल जाता है, पर दोनों के काफी भागने के बाद भी वो वुल्फ के हाथों मारे जाने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ विल्मा नाम की वही वेसल आ जाती है और वो निको और जूलियस की मदद के लिए एवलेंस क्रिएट कर देती है जिस कारण उनके साथ सभी वुल्फ भी वहाँ से नीचे आ गिरते हैं और इस तरह से काफी मुसीबतों के बाद वो उन वुल्फ से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। पर निको चाहता था कि विल्मा उसके साथ ही चले क्योंकि वो उन्हें सेंटा के फेल तक सही से लीड कर सकती थी और वो फ्लाइंग फोर्सेस के साथ भी बहुत फैमिलियर थी, इसलिए विल्मा उसकी बात मानकर उसके साथ जाने लगती है। लेकिन तभी उन्हें वुल्फ की आवाज सुनाई पड़ती है और वो तेजी से भागने लगते हैं। वहीं वो वुल्फ भी उनके पंजों का निशान का पीछा करते हुए उनकी तरह बढ़ रहे होते हैं और एक समय पर वो उनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तब निको और उसके दोस्तों को अपने बचाव के लिए ऊंचे क्लिफ से जंप करना पड़ता है जिससे उन्हें वुल्फ से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन वहां से नीचे आते ही वो नदी में आ गिरते हैं और थोड़ी ही दूर पर एक वाटरफॉल मौजूद होता है। जूलियस और विल्मा तो सेफली वहां से निकल आते हैं पर निको वाटरफॉल से नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर जूलियस और विल्मा उसे बचाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो आखिर में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं और बहुत थके होने के कारण निको और वो थोड़ी देर वहीं आराम करते हैं और होश आते ही निको वापस अपने दोस्तों के साथ सफर की ओर निकल जाता है और पूरी रात चलते चलते आखिरकार वो अगली सुबह सेंटा के फेल तक पहुंच जाते हैं। पर उसके अंदर जाने वाले हर जीव को मुसीबत का सामना करना पड़ता था, उसके बाद भी वो हिम्मत करके उसमें एंटर कर जाते हैं। लेकिन उनके साथ ही प्रांसर भी वहां अपने झुंड के साथ पहुंच चुका था और निको का पीछा कर रहा था। वहीं फाइनली निको और उसके दोस्त अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहां निको फ्लाइंग फोर्सेस को देखता है और एक्साइटेड होकर भागते हुए उनसे मिलने जाता है। निको उन्हें बताता है कि वो यहाँ अपने डैड से मिलने आया है, पर वो उसकी बात को हल्के में लेते हैं। निको उन्हें ये भी बताता है कि वुल्फ की एक झुंड कभी भी यहाँ उन पर हमला करने आ सकती है, पर वो उसे बच्चा समझकर उसकी बात को नजरअंदाज करके बार में एंजॉय करने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई वुल्फ सेंटा के इस सीक्रेट वैली को ढूंढ ही नहीं सकता और निको भी उनके साथ वहाँ आ जाता है। वहाँ निको उनसे कहता है कि आप में से कोई एक मेरा डैड है और वो उन्हें अपनी मॉम के बारे में भी बताता है, लेकिन फिर भी कोई भी रेंडियर उसकी बात का जवाब नहीं देता। ये देखकर जूलियस निको को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी उन रेंडियर का लीडर निको से कहता है कि अगर वो ये साबित कर दे कि वो उड़ सकता है तो ये साबित हो जाएगा कि हम में से कोई एक तुम्हारा डैड है। निको ये सुनकर अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए उसकी बात मान जाता है और जूलियस के काफी मना करने के बाद भी वो ऊंचाई से जंप लगा देता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। पर सही समय पर रेंडियर की हेल्प से वो बच जाता है और वो रेंडियर भी उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अब तक निको भी हार मान चुका होता है और वो ये मानकर वहाँ से वापस लौटने लगता है कि वास्तव में उसके डैड कभी भी फ्लाइंग फोर्सेस में शामिल ही नहीं थे। पर उतने में वुल्फ की वो झुंड उस केव से बाहर निकलकर सेंटा के फेल पर अटैक करने आ जाते हैं। फ्लाइंग फोर्सेस के रेंडियर जब वुल्फ को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो उड़ भी सकते हैं। प्रांसर जब वहाँ निको को देखता है तो उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इस बीच जूलियस उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकामयाब रहता है, इसलिए वो उन रेंडियर से निको को बचाने की मदद मांगने जाता है, पर वो रेंडियर खुद भी बहुत ज्यादा डरे होते हैं। तब जूलियस उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें उनके ट्रू पोटेंशियल को याद दिलाता है। उसके बाद वो हिम्मत करके वुल्फ का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और निको को प्रांसर से बचा लेते हैं, पर प्रांसर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए फ्लाइंग फोर्सेस लेज की स्पीड को बहुत हाई कर देते हैं ताकि प्रांसर वहां से नीचे गिर जाए। पर गिरने से पहले वो जूलियस को भी पकड़ लेता है, इसलिए निको उसे बचाने के लिए स्लेज से जंप लगा देता है। वो जूलियस को तो बचा लेता है पर वहां वो नोटिस करता है कि अब फाइनली वो उड़ सकता था। निको को ये जानकर बहुत खुशी होती है। आखिर में वो वुल्फ भी उन रेंडियर के कंबाइंड एफर्ट को देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और तब वहाँ डेसर नाम का एक रेंडियर ये रिवील करता है कि वही निको का डैड है। फिर वो सभी इसी खुशी में साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वही निको सेंटा से भी मिलता है
और वो उन फ्लाइंग फोर्सेस का एक हिस्सा बन जाता है। निको को ये बहुत अच्छा लगता है और वो अपने डैड के साथ ही रहने का तय करता है। और जूलियस के कहने पर भी जब निको उसके साथ वापस नहीं लौटता तब वो अकेले ही वापस लौट जाता है और सभी रेनडियर को जाकर बता देता है कि निको उठ सकता है और अब उसने फ्लाइंग फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ये सुनकर सभी रेनडियर उसकी बात को झूठी कहानी मानने लगते हैं और उना जूलियस के प्रॉमिस करने के बाद भी निको को अपने साथ न लाने के लिए उससे नाराज हो जाती है। पर तभी निको उड़ते हुए वहां आ पहुंचता है जिससे सभी को जूलियस की बात पर यकीन हो जाता है। उतने में स्लेज के साथ फ्लाइंग फोर्सेस भी वहां आ पहुंचते हैं और वो जूलियस को भी अपने फोर्स में रिक्रूट होने का प्रपोजल देते हैं, पर निको उन्हें इसके लिए मना कर देता है और अपनी मॉम के साथ ही रहने का तय करता है। फ्लाइंग फोर्सेस भी खुशी खुशी निको की बात मानकर वहां से चले जाते हैं और आखिर में सभी रेनडियर्स उस वैली को छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।